अगर आपको जिंदगी की रेत में अपने पांव के निशान छोड़ के जाने हैं तो कीप द बिग पिक्चर इन माइंड एंड द बिग पिक्चर इज द गॉस्पेल टू बी प्रीच्ड टू एवरी क्रीचर. Inside you, and it sees what is the content of your heart. Heal in the Jesus name, Nephil. Hallelujah! 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 My brother, अगर आप दुनिया में रहेंगे स्पिरिचुअली तो आप तकलीफ में जाएंगे, लेकिन अगर आप क्राइस्ट में पूरे लीन हो जाएंगे तो उसकी जो ये जीतने की ताकत है आपके थ्रू फ्लो करेगी और हर चट्टान टूट के गिर जाएगी. अच्छा, ये बहन बता रही है कि इनका बच्चा 6 महीने का है और उन्होंने बहुत ब्रेस्ट फीडिंग करने की कोशिश की, नहीं पिया दूध. आज यहाँ के प्रार्थना हुई, पहली बार उसने माँ का दूध पिया. कितना बड़ा अपनी, कितना बड़ा कहाँ पे? देर इज नो ट्यूमर. 8 years of tumor is gone. Tumor गया? Hallelujah. Why did Jesus come? To give you a life and give you a life in abundance. If you do not have faith to be healed, you do not trust the God, you do not think that He has enough power to heal you. Bone TV for 3 years, all her pain is gone. आप कहेंगे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप सांस ले सकते हैं और जिंदा हैं तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए.
डॉक्टर ने बोला था 3 महीने से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहेगी। क्यों? इसका लीवर डैमेज हो गया था। हाँ हाँ, और 3 महीने से ज्यादा हो गए और ये आज बच्ची बोल रही, मैं प्रभु में बहुत जीवित रहूंगी। हालेलुया। आप इसके बाप हैं? जी। उस बच्चे ने पहले साइकिल से गिरने से उसकी हड्डी हाथ टूट गया था, जिस वजह से हड्डी जो जुड़ाया गलत जुड़ी थी, काफी निकली थी, आज प्रभु की दया से चंगाई हो गई, ठीक है। हड्डी बिल्कुल निकली नहीं हुई है, जिसको देखना है आके देख ले। जो हड्डी बाहर थी वो प्रभु ने ऑपरेशन, पेनलेस ऑपरेशन करके अंदर कर दी है, यीशु मसीह के नाम से। हार्ट ऑपरेशन इसका हो चुका है प्रभु, सर से लेकर पैर तक तुम चला जाए। पिछले 8 सालों से इतनी बड़ी गांठ थी, और जैसे ही आपने प्रार्थना की, बोलती की एक तेज रोशनी मेरे सीने पे आई और गांठ गायब हो गई। अपनी जुबान को इस्तेमाल करेंगे वैसा हो जाएगा। पता है आपको प्रभु ने ये ब्रह्मांड, ये दुनिया कैसे बनाई? स्पोक इट इनटू एग्जिस्टेंस। बोलिए धन्यवाद यीशु। फिर से बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हील द एपिलेप्सी इन जीसस माइटी नेम। चला गया जख्म, आने के बाद जख्म भी चला गया, दर्द भी चला गया। ये बोल रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने समर्पण कर दीजिए अपने जीवन का, और वो आपके जो आपका जीवन जो अभी मिट्टी है उसको वो सोना बना के छोड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। Holy be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. कैसे होगी जमीन पर पूरी? जैसे उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर पूरी हो। आपका काम आसमान में नहीं है भाइयों और बहनों, आपका और मेरा काम इस धरती पर है, इस जमीन पर है, जहां हमें आसमानी राज्य आपको और मुझे धरती पर सजाना है। पिछले 3 महीने से इस बहन को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, और अभी जब आपने प्रार्थना करनी शुरू की थी, इनको अचानक गर्माहट सी महसूस हुई। ये प्रेयर कर रही थी, प्रभु मुझे छू, और आपने जैसे प्रार्थना की वैसे ही इनको गर्माहट सी महसूस हुई, इनकी ब्लीडिंग कंप्लीटली प्रभु ने हील कर दिया। खड़े हो जाइए प्रभु में और कानपुर को हिला दीजिए यीशु मसीह के लिए।